एक अंडा देंगे, ठीक है। और ये यहाँ रखा था मैंने कि बार बार मेरे को डस्टबिन पे दौड़ना ना पड़े। क्लिंग रैप इसलिए मंगाया था, क्लिंग रैप करके सेंटर जो भी कूड़ा कचरा इसके अंदर डालते रहो, मक्खी नहीं बैठेगी ना ही उड़ के या कुछ ऐसा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक अंडा है और 100 ग्राम मैदा, इन दोनों को हमने, आप चाहो तो केसर डालोगे या ज़्यादा अच्छा कलर निकल गया। काफ़ी सारे डिज़ाइन पैटर्न जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि डाउट वेन इन, ठीक है। खाने में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई बार देखा आपने दाल उबल जाती है कई बार पड़ी पड़ी शादी केटरिंग में, गर्म करके झटका मार के उसको चला देते हैं, चला लेंगे खेल लेंगे, वो काम नहीं करते, ठीक है। हमने एक चीज़ मान के चलनी है, हल्का सा भी डाउट आ रहा है तो टाइम मार होगी जान चलेगी वो ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है। तो इतना हार्ड डो होना चाहिए, सिंपल, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या है रेशो, क्या है, एक अंडा 100 ग्राम मैदा, ठीक है, और दो अंडे 200 ग्राम मैदा, तीन अंडे वैसे आप रखते जाओगे 1 किलो पे। तो ये हमारा डो बन गया, हमें एक रोलिंग पिन चाहिए, इसको आप कवर करके रख लीजिए। दूसरा ये नाइफ का स्किल अच्छा होना चाहिए, तलने भी इसकी टूट में कुछ आना अच्छा आना चाहिए, प्रैक्टिस करो, नाइफ की तरफ देखना नहीं, हाथ नहीं कटेगा हमारा, अगर आप डर के करोगे तो हाथ कटेगा, देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप वैसे ही आराम से काट सकते। ये चीज़ आपने प्रैक्टिस लिखो दीवार में लिखो, मुझे रोटी बनानी आती है सभी को, फुल्का गोल फुल्का बनाना आता है सबको, नहीं आता सीखो। हम देखो आज क्या कर रहे हैं, इटली के फुकाशिया बना रहे हैं, दूसरा अभी मशरूम पकाना था। अभी देखो खाना इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू सेलेक्टेड, फिर वो रोस्टेड मशरूम का टेस्ट निकल जाएगा। तंदूरी मशरूम में कितने टेस्टी लगते हैं, अदरवाइज आप सब्जी में खाओगे तो उबले से लगते हैं, पानी को उड़ने दो। इवन अगर आपने किसी को आप मशरूम थोड़े से, ठीक है, ये पहले उबले दो, हम बनाएंगे रावियोली, कैनेलोनी, टॉर्टिलिनी, ठीक है, ये तीन पास्ता ऑयल या बटर इसमें डाल रहा हूँ, नॉर्मली ऑलिव ऑयल हम डालते हैं, ऑलिव ऑयल नहीं डालें कोई दिक्कत नहीं। ये बाइंड कर देंगे, अब दूध और मैदा मिलके वो बना देंगे जो व्हाइट सॉस आपको पसंद होगी ना, बैशल दूध और मैदा आ गया, ठीक हो गया, ये हमारी सर्विंग रेडी, ठीक है। डाल के मिक्स करके उधर ले आओ, मिक्स कर लो इसको, पानी पानी में पास्ता ले, ठीक है, बाकी को यहाँ रख दो, सारे पास्ता को नहीं करना, हमारे पास पास्ता मशीन भी आती है, उसको ये हटा देना ग्लास सर, ये वाला हाल बाहर इतना टाइट डो होना चाहिए, अगर डो लूज होगा तो शेप नहीं बनेगी आपकी अच्छे से। सर ये लंबा बनाना है गोल, फोक रख लो, तब तक आप चार पांच शीट बिल्कुल लाइट आर पर होनी चाहिए, मेरे अंकल ना तो नजर आनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ठीक है। पैकेट वाला पास्ता जो कि हमारे पास आ रहा है, पैने, फारफेले, मैक्रोनी, ये सारे आ रहे हैं ना, ये वाले ड्राई पास्ता जितने भी हैं, स्पैगेटी जो भी आ रहे हैं जितने भी, ये सारे
ड्राई वाले इनको सिर्फ बॉयल करना, 7-8 मिनट के लिए बॉयल करते हैं। फ्रेश पास्ता को 3 मिनट के लिए करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। देखो पहला वाला, अभी कटर नहीं है मेरे पास, तो मैं बिना कटर भी करना। जब तक ये हो रहा है ये डो को बचा के रखना है। स्पून दे दो मेरे को, देखो ठीक है, जोड़ दिया, अच्छे से जोड़ दो। एक टूथपिक अगर है तो दे देना मेरे को, अगर है नहीं है तो कोई दिक्कत, जोर से दबाओ इसको, ठीक है। अगर एक ठीक है, ठीक है सर। दबाने के बाद फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जोड़ दिया इसको, कपड़ा थोड़ा सा अंडा या किसी चीज़ के साथ इसको, ये बन गया टॉर्टिली। सिंपल है, फोल्ड किया और ऐसे बना दिया। ये मैंने गोल से काटा है, ठीक है। अब मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा स्क्वायर से, मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज जो मार्केट वाले आते हैं वो पूरे स्केल आते हैं पूरे ऐसे, ठीक है। चीनी, ठीक है, फेटुचिनी। पिज़्ज़ा कटर होगा तो पिज़्ज़ा कटर से ये अच्छे से कट जाती है, नहीं तो ये कटर आता है इसका। ठीक है, ये हो गया फेटुचिनी पास्ता। यहाँ पे आप पहले से ही अंडा या पानी लगा लो, यहाँ पे साइडों पे अंडा लगाओगे ज़्यादा अच्छे से वो चिपक जाता है, ठीक है। और ये बन गया हमारा, हवा भर रही है बीच में, हवा निकालने के लिए क्या करना है, टूथपिक मार देना, ठीक है। टूथपिक मार के फिर ब्लांच करोगे तो अब दोबारा इसको हाथों में ले लो, दबा दो अच्छे से, ठीक है। दबा दिया, हाथों से प्रेस कर दो अच्छे से, डो नहीं जाएगा कहीं पे भी, कुछ नहीं होगा इसको। तो ये आपको किसी प्लैनेट, ये इसको यहाँ पे ऐसे ही काट लेते हैं, ठीक है। TORTELLINI तोर्तिली, यहाँ से दबाया, ठीक है। पहले कोशिश करो अंदर से बाहर को बंद करने की, ताकि हवा रहे ही ना अंदर, ठीक है। फिर उस एक पीलर आता है जिससे प्रेस करना है, यहाँ प्रेस किया, यहाँ आप अंडा या पानी या दूध कुछ भी लगा लो, और डस्ट, ये फायदा हो रहा है ना यहाँ लगाने का डस्ट, तो यहाँ डस्ट लगाए, यहाँ घुमा लो इसको, यहाँ घुमा के ये भी तोर्तिली बन गई, ठीक है। ये तोर्तिली कहाँ से आई, कौन से प्लैनेट, एक कॉमन सेंस लगा ली, इतनी मेहनत करी हमने, करी है ना। अब इसको मैं अगर पनीर, शीट उतने पतले होने चाहिए कि आपको स्टफिंग अंदर से दिखे, अगर अच्छे मोमोज भी हैं तो प्रोसेस ऐसे प्रेस करना, ठीक है। जैसे टूथपिक ले लो चाहे छोट, करने के बाद यहाँ से घुमा के इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब ये वाली जो तोर्तिली है मिनी वाली, किसी सूप के अंदर डाल, रोल कर देते हैं, सॉस डाली, सॉस डाल के ऊपर वाइट सॉस डाल के अवन के अंदर, एक्सक्यूज मी सर,